मेरे प्यारे साथीदारों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अब चलते हैं, आज हम देखने वाले हैं बेसिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, उसको बताते हैं टीबी। अब टीबी कैसे होता है, टीबी के क्या लक्षण हो सकते हैं, सिम्टोम्स हो सकते हैं, और टीबी के लिए मल्टी ड्रग की क्यों जरूरत होती है, वो सब आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्या होता है और टीबी कैसे होता है। सो दिस बैक्टीरिया नेम इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। सो इसके बारे में पहले हम माइकोबैक्टीरिया के बारे में थोड़ा बहुत जांच करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, वो इंट्रेंसिकली रेजिस्टेंट टू मोस्ट एंटीबायोटिक। हमारे मार्केट में जो कुछ भी एंटीबायोटिक है, जैसे मैं बता दूं कि बेटालैक्टम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन होती है, सिफालोस्पोरिन होती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होती है, क्लोरामफेनिकोल होती है, वैंकोमाइसिन होती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होती है, वो सब इससे रेजिस्टेंस है। अब वो क्यों रेजिस्ट है, क्यों ये सब एंटीबायोटिक उसके ऊपर काम नहीं करती, उसका थोड़ा बहुत नतीजा ये है कि इससे इसके लिए ये जो चीज है कि द ग्रोथ इज स्लो, तो वो क्या है कि वो स्लो स्टेप से चलते हैं। अगर कोई स्लो स्टेप से बहुत पैशन से वो ग्रो होते हैं तो क्या होता है कि उतने में तो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में से एक्सक्रिएट करते निकल जाती है, एज कंपेयर्ड विद अदर बैक्टीरिया। जो अदर बैक्टीरिया होता है उसका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है और माइकोबैक्टीरियम का ग्रोथ थोड़ा बहुत स्लो होता है। तो क्या होगी कि आप एंटीबायोटिक लोगे, जब आप एंटीबायोटिक लोगे तो वो तो एक्सक्रिएट होकर चली जाएगी, उसके ग्रोथ में कुछ भी चेंज नहीं आया होगा बैक्टीरिया के, तो आप उसमें कुछ ग्रोथ ब्लॉक नहीं कर पाओगे। सो एंटीबायोटिक दैट आर मोस्ट एक्टिव अगेंस्ट द ग्रोइंग सेल्स आर रिलेटिवली इनफेक्टिव। बहुत सारी जो एंटीबायोटिक है वो किस बेसिस पे काम कर रही है, वो बेसिस पे काम कर रही है कि जहां पे सेल का ग्रोथ फास्ट होता हो तो वो दे ब्लॉक द ग्रोथ, पर यहाँ पे तो वो स्लो हो रहा है इसलिए नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि माइकोबैक्टीरियल सेल कैन ऑल्सो बी डॉर्मेंट, वो क्या होता है डॉर्मेंट होके बैठ जाते हैं। मैं बताऊँ आपको, हमारे जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन की जांच हुई थी, फिर प्रोटॉन की, और लास्ट आखिर में न्यूट्रॉन की। क्यों कि न्यूट्रॉन वो उसके पास चार्ज नहीं था तो वो डॉर्मेंट था, वो रिएक्शन नहीं देता था। तो माइकोबैक्टीरिया भी क्या है, डॉर्मेंट है, तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं देंगे, तो इज कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू मैनी ड्रग्स एंड दे किल्ड ओनली वेरी स्लोली। तो वो क्या होगा कि उसको किल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब है कि सेल वॉल इज लिपिड रिच एंड इम्परमेबल टू मैनी एजेंट्स। अभी सेल को डेथ करने के लिए उसके सेल में एंटर होना हो पड़ेगा। अभी जो उसकी सेल वॉल है वो लिपिड से रिच है, ये जो पार्ट है वो लिपिड से रिच है, एंड इम्परमेबल टू मैनी एजेंट्स, वो अलाउ नहीं करते। तो देखते हैं वो कैसे होता है। तो देख लो, ये स्ट्रक्चर है हमारा, तो ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव, और माइकोबैक्टीरियम का स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है। तो आप इसमें देखोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो चीज हमें ग्राम पॉजिटिव में दिखती है, जैसे कि ये ग्राम पॉजिटिव, ये ग्राम नेगेटिव, और ये माइकोबैक्टीरियम। अब आप देखोगे ना तो उसमें क्या है कि ये जो है वो हमारा पेप्टिडोग्लाइकॉन, ये पूरा पार्ट देख लो, ये सब पार्ट क्या है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन इज अ पार्ट्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और उसके बाद हम देखेंगे तो हमारे पास ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव में ज्यादातर लिपिड आया हुआ रहता है, तो ये जो लिपिड का वो जो पार्ट है वो ग्राम नेगेटिव से बना हुआ है। अब जो चीज ग्राम पॉजिटिव में होती है, जो ग्राम नेगेटिव में होती है, उससे कहीं अलग ही और कहीं दूसरा ही चीज, जैसे कि माइकोलेट, ये जो चीज है वो डिफरेंट है, वो सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में ही, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज में ही दिखने मिलता है, जो ये पिंक कलर का दिखाया हुआ है। तो उससे क्या होता है, ये डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज आर इंट्रासेल्युलर पैथोजेंस। इंट्रासेल्युलर मींस वो अंदर की ओर, सेल्स के अंदर जाके उसके सिस्टम को तोड़ेंगे, और ऑर्गेनिज्म रिसाइडिंग विद इन द मैक्रोफेज आर कॉल्ड इनएसेसिबल टू ड्रग्स दैट पेनिट्रेट दिस सेल्स पुअरली। अब हमारे पास एक सेल है, तो ये जो मैं यहां से यहां पे बता देता हूं, एक सेल है जो माइकोबैक्टीरिया ये मैक्रोफेजिस के अंदर रहते हैं, मैक्रोफेजिस के अंदर रहते हैं। अब आपका ड्रग जो जिसका पेनिट्रेशन ही या माइकोबैक्टीरिया है, ये आपका ड्रग है। अगर आपकी ड्रग की
ड्रग की पेनिट्रेशन पावर ही कम है तो वो जाएगा ही नहीं. अगर वो पेनिट्रेशन होगा ही नहीं तो फिर वो माइकोबैक्टीरियम को कैसे किल कर पाएगा, वो नहीं किल कर पाएगा. तो ये थोड़ा बहुत डायग्रामेटिकली बताया हुआ है कि जो माइकोबैक्टीरियम है, ये मैक्रोफेजिस है. तो ये पूरा इस चित्र इस पिक्चर से हमें पता चलता है. तो फाइनली क्या रिजल्ट आया, क्या नतीजा आया? तो नतीजा ये आया कि माइकोबैक्टीरिया आर नोटोरियस. देखो हमारे क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर कुछ भी बता दें वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देते, डॉर्मेंट की जैसे बैठ जाते हैं. स्लोली स्लोली पैशनेटली काम करते चलते हैं और देयर इनएबिलिटी टू डेवलप द रेजिस्टेंस फॉर देयर एबिलिटी टू डेवलप द रेजिस्टेंस नोटोरियस है. इसीलिए वो बहुत सारी एंटीबायोटिक से क्या हो गए हैं, रेजिस्ट हो गए हैं. वो उसके पर एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता. तो क्या करें, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल्स. तो अभी जो भी ट्यूबरक्यूलोसिस और टीबी की जो कुछ भी थेरापी चलती है उसमें एक ड्रग से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई एक ड्रग चाहिए जो उसको डॉर्मेंट स्टेज को ब्रेक करे, कोई एक ड्रग चाहिए जो स्लोली ग्रो हो रहा है उसको डेथ करे. तो रिक्वायर टू ओवरकम दिस ऑब्स्टिकल एंड टू प्रिवेंट द इमरजेंसी ऑफ रेजिस्टेंस. तो उससे क्या होगा कि बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस नहीं आएगी. जो नोटोरियस स्टूडेंट होते हैं क्लास में उसको एक सर कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत तीन चार सर चाहिए. जैसे जैसे टाइप से ट्रीटमेंट देंगे तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ थेरापी वो रेजिस्टेंस नहीं कर पाएगा. तो वॉट इज इट, ये चीज है वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन दिखाया हुआ है पिक्चर में. कज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसको ऐसा भी बताते हैं ट्यूबरकल बैसिलस. क्या बताते हैं, ट्यूबरकल ब्यूसिलस. फिर डैमेज द पर्सन लंग्स एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ज्यादातर वो लंग्स के बेसिस पे लंग्स को ज्यादा टारगेट करते हैं. फैटल इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, अगर उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा तो वो फैटल भी हो सकता है. अब देखते हैं क्या सिम्टम्स है. परपेचुअल कफ, पूरा दिन जैसे कोई सिगरेट पीता है ना जैसे कफ निकलता रहता है, ऐसा परपेचुअल कफ होता है. फिर फीवर आता है थोड़ा बहुत. देन वेट लॉस, उसकी बॉडी में से दिन प्रतिदिन उसका वेट कम ही, दुबला पतला होता रहता है. नाइट स्वेट्स, किसी को रात में स्वेटिंग होता है, परस्पिरेशन होता है. फिर लॉस ऑफ एटीट्यूड, उसको भूख लगती नहीं है क्योंकि लंग्स काम नहीं करेंगे तो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी, बनेगी नहीं तो कहाँ से वो खाएगा. फैटिग्यू, थकान महसूस होगी क्योंकि कफ उसके लंग्स काम नहीं कर रहे. स्वेल ऑन ग्लैंड्स, ओके उसकी ग्लैंड स्वेल हो जाती है. उसको ठंड लगती है क्योंकि अगर आप फेफड़े ही काम नहीं कर रहे थे तो कैसे एनर्जी बनेगी. पेन वाले ब्रीथिंग के वक्त पर उसको पेन होता है. तो आप ऐसा मत मान लीजिए कि ये सब सिम्टॉम्स आपकी बॉडी में भी हो तो आपको टीबी हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता. देखो दिस इज प्रॉपर डायग्नोसिस बाय डॉक्टर. तो ये थोड़ी बात थी, बट अल्टीमेटली टीबी इज क्योरेबल. अगर नोटोरियस स्टूडेंट है तो एक से ट्रीट नहीं करेंगे, एक से ज्यादा से ट्रीट करेंगे पर उसको स्टॉप करेंगे. ऐसे हम बताते हैं कि टीबी कैन बी क्योर. अगर अब ये कैसे चलता है, कौन सी ड्रग होती है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे. पर इस तरह हम चलते रहेंगे. आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप आपके दोस्तों तक उसको पहुंचा सकते हो. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.